हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट फॉर लव। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के दही बल्ले। वैसे तो लोग दही बल्ले कई प्रकार के बनाते हैं। आज हम सूजी के दही बल्ले बनाने वाले हैं। इस प्रकार दही बल्ले बनाने के लिए नहीं तो आपको दाल भिगोने पड़ेगी, ना ही पीसने की ज़रूरत पड़ेगी। सूजी के दही बल्ले बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दही के भल्ले बनाना। भल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है। अब सूजी में डाल देते हैं आधा कप दही, ये खट्टे दही है। अब सूजी और दही को हम चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं। हम पानी नहीं डालेंगे, सूजी और दही को हमें इसी तरह मिलाना है। जितना हम सूजी लिया है उसका आधा हमने दही को लिया है। सूजी और दही को हमने अच्छे से मिला लिया है। अभी इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, जिससे सूजी फूल कर खिल जाए। जब तक सूजी फूल रहे हैं तब तक के लिए हम दही को फेंट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 कप दही लिया है। अब दही में 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। दही और चीनी को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। अब देख सकते हैं कि ये एकदम लस्सी जैसा बन गया है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब 10 मिनट बाद सूजी को देख लेते हैं। यहाँ पे सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसका हम भल्ले बनाएंगे। 1 छोटी चम्मच तेल लिया है और कटी हुई किशमिश। भल्ले बनाने से पहले हाथ में थोड़ा तेल लगा लेते हैं। अब थोड़ा सा सूजी के लोई ले लेते हैं। भल्ले के लिए हमने इतना बड़ा लोई लिया है। इसमें हम दोनों हाथों से मसल कर चिपटा कर लेते हैं। अब इसके बीच में एक जगह बनाएंगे और थोड़ा किशमिश भर कर पैक कर लेते हैं। अब इसे पेड़े जैसा बना लेते हैं। से हमने पहला भल्ला बना लिया है। इसी तरह हम बाकी के भल्ले बना लेते हैं। इसको भी चारों तरफ पैक करके भल्ले बना लेते हैं। एक करके हम सभी के सूजी के भल्ले बना लिए हैं। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, गैस को हम मीडियम कर लेते हैं। तेज आंच पर भल्ले को हमें नहीं फ्राई करना है। सभी भल्ले को कढ़ाई में डाल देते हैं। जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता है तब तक इसे बार बार चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम आँच में फ्राई करेंगे, जिससे भल्ले अंदर तक पक जाए। अब हम भल्ले को तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम एक बाउल में 1/2 लीटर पानी लेंगे। इसी पानी में हम भल्ले को डालकर भिगो लेंगे। पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि भल्ले फूल गए हैं। अब भल्ले को दोनों हाथ से दाब कर पानी निकाल लेते हैं। अब दही भल्ले सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर से फेंटी हुई दही को डालेंगे। अब इसके बाद इमली चटनी और हरी चटनी डाल देते हैं। अब ऊपर से जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फ्राई मसाला और काला नमक डाल देते हैं। को एक पीस काट कर दिखा देते हैं। अब
दही भल्ले खाने के लिए रेडी है। आप भी बहुत आसानी से सूजी के दही भल्ले बना सकते हैं। इसको आप कम समय में झटपट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।